मारवाड़ी एक ऐसी कम्युनिटी जो इंडिया के 40-45% बिजनेसेस को ओन करती है। ओरिजिनली ये लोग आते हैं राजस्थान के एक बहुत बड़े एरिया मारवाड़ से, इसीलिए इन्हें मारवाड़ी भी कहते हैं। शुरू से ही इन लोगों की पैसे और बिजनेस पर पकड़ बहुत ही मजबूत है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये किसी अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं आते। ये सोशली भी थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, और तो और ये लोग इंडस्ट्री में भी बहुत लेट आए थे। इंडस्ट्री में देखा जाए तो सबसे पहले बंगाली लोग आए थे, वो एजुकेशन वाइज भी मारवाड़ियों से काफ़ी आगे थे और सोशली भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थे। बट आज अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा जाए तो बंगाली दूर दूर तक नज़र नहीं आते। वहीं मारवाड़ी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस सेक्टर में। देश के 42% बिजनेस कहीं ना कहीं पर या तो मारवाड़ी के द्वारा ओन किए जाते हैं या फिर उनके द्वारा मैनेज किए जाते हैं। अब एक मारवाड़ी की पहचान क्या है, चलिए इसे समझते हैं। पहली चीज़ तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल कपड़े पहनते हैं, फैंसी कपड़ों से दूर रहते हैं। दूसरा, ये गोल्ड के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, गले में सोने की चैन, उंगलियों में सोने की अंगूठियाँ। और तीसरा, ये बहुत ही मीठा बोलते हैं, और जब कभी भी आप राजस्थान जाओगे तो आप देखोगे कि ये लोग हमेशा हुकुम हुकुम करके बात करते हैं, और सामने वाले इंसान को इतनी इज्जत देते हैं कि इनसे बात करके आपको लगेगा कि आप कहीं के राजा हैं। ये सभी खासियत है एक मारवाड़ी की। इसके अलावा ये लाइफस्टाइल पर ज़्यादा खर्चा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि पैसा आते ही महंगी घड़ी ले ली, महंगी गाड़ी ले ली, नहीं। ये लोग बिल्कुल सिंपल रहते हैं। आप इनका रहन सहन देख करके ये बता ही नहीं सकते कि ये अमीर हैं या फिर गरीब। इसके अलावा ये लोग फालतू ट्रैवल भी नहीं करते। घर में बच्चों को बुखार है, डॉक्टर के पास ले जाना है, ले जाएंगे, फिर बच्चे को बोलेंगे कि तुम यहाँ डॉक्टर साहब के पास बैठो, तब तक मैं राशन ले आता हूँ। गए थे बच्चे का इलाज करवाने के लिए और साथ में राशन भी लिया है। यह है एक मारवाड़ी दिमाग जो हमेशा टाइम और पैसे दोनों बचाने के बारे में सोचता है। अब आते हैं बिजनेस पर। इनका बिजनेस करने का तरीका बहुत ही पुराना और असरदार है। मेनली मारवाड़ी लोग जॉइंट फैमिली बिजनेसेस चलाते हैं, जहां अगर पिताजी की मिठाई की दुकान है तो वहां पर बड़ा बेटा काउंटर पर मिठाई पैक करेगा और उससे छोटे वाला मिठाई बनाएगा, और सबसे छोटे वाला बेटा टेबल साफ करेगा और खुद पिताजी गल्ले पर बैठेंगे। यानी कि सारी फैमिली के लोग मिल करके बिजनेस को चलाते हैं। अब सवाल ये है कि इसका क्या फ़ायदा है। पहला, इससे लेबर कॉस्ट कम होती है। दूसरा, ज़्यादा टाइम तक काम होता है। तीसरा, क्वालिटी मेंटेन रहती है क्योंकि सभी के सभी हैज ए ओनर काम करते हैं। तो ज़्यादातर मारवाड़ियों का यही तरीका होता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का। इसके अलावा जो भी बड़े बिजनेसेस हैं जैसे डीमार्ट, हल्दीराम, लेंसकार्ट, मिंत्रा, ओयो, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, सब के सब मारवाड़ियों के ही हैं। तो कुछ तो सीक्रेट्स होंगे इन लोगों के जो ये लोग पिछले कई सालों से पैसा बनाने में टॉप की कम्युनिटीज़ में आते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 6 स्ट्रैटेजी के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीक्रेट नंबर 1 के बारे में, जो है अपॉर्चुनिटी सीकर। जैसे ही सीक्रेट नंबर 1 अपॉर्चुनिटी सीकर, जैसे ही किसी मारवाड़ी को कोई भी अपॉर्चुनिटी अपने सामने दिखती है तो सूंघ लेता है, और उसके बाद वो जल्दी से उसे ग्रैब कर लेता है। 2005 में फोर्ब्स मैगजीन ने टॉप 3 रिचेस्ट मैंस को रैंक किया था। उस वक्त नंबर 1 पे थे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, नंबर 2 पर थे इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, और नंबर 3 पर थे स्टील इंडस्ट्री के रूलर लक्ष्मी मित्तल, जो कि एक मारवाड़ी बिजनेसमैन है। जहां बिल गेट्स अपना पैसा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में लगा रहे थे, उसी टाइम पर मित्तल साहब अपना पैसा स्टील इंडस्ट्री में लगा रहे थे। उन्होंने जब स्टील में अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया तो उस वक्त इंडस्ट्री बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की प्राइस भी मार्केट डिसाइड करती है, और फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस भी इंडस्ट्री डिसाइड करती है। ऐसे में इस बिजनेस में घुसना ही बहुत बड़ा रिस्क का काम था, प्रॉफिट निकालना तो दूर की बात थी। पर मित्तल साहब ने तय कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं। और 1976 में उन्होंने अपनी स्टील मिल सेटअप की, और सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस सेटअप किया। अब सवाल ये उठता है कि ये सब उन्होंने किया कैसे, और इसका जवाब है अपॉर्चुनिटी को देख करके।
जहां 1980 में बाकी लोग डोमेस्टिक मार्केट में स्टील का बिजनेस कर रहे थे, वहीं लक्ष्मी मित्तल ने इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करने के बारे में सोचा। और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं था और इसी वजह से ये बहुत जल्दी अपने स्टील का बिजनेस ग्रो कर पाए। तो मारवाड़ी लोगों में ये खासियत होती है कि वो अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देते, वो हर चीज़ में बिजनेस ढूंढ सकते हैं। मारवाड़ियों का सीक्रेट नंबर 2 है सेल्फ मैनेजमेंट। एक मारवाड़ी व्यक्ति काम भले ही किसी से करवाए लेकिन गल्ले पर वो खुद ही बैठेगा। जो भी हिसाब होगा एक एक रुपये का वो खुद करेगा। पैसे के मामले में ये किसी पर भी भरोसा नहीं करते। मारवाड़ी आदमी गल्ले से इतना चिपकता है जितना एक बच्चा दूध की बोतल से। मारवाड़ी लोगों से जुड़े कई किस्से बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। जैसे एक बार एक मारवाड़ी अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था कि तभी वहाँ उसकी दुकान के बाहर से एक भिखारी गुजरा। मारवाड़ी को देख करके उसने कहा कि साहब कुछ पैसा दे देते तो मैं खाना खा लेता, दो दिनों से कुछ खाया नहीं है। तो मारवाड़ी बोला कि जाओ यहाँ से, कोई पैसा नहीं है। लेकिन भिखारी थोड़ा ज़िद्दी था जैसा कि वो अक्सर होते हैं, तो फिर उसने फिर से कहा साहब कि अगर पैसे नहीं हैं तो कुछ खाने को ही दे दो। मारवाड़ी ने फिर से कहा, बोला ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, चले जाऊँ यहाँ से बाहर। तो इस पर भिखारी ने कहा कि अगर कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो तुम अंदर क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ हो लो, जो मिलेगा आधा आधा करके बांट लेंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए लेकिन वो गल्ले से नहीं उठेगा और हिसाब को बहुत पक्का रखेगा। मारवाड़ी कितना माल आया, कितना बिगा, कितना पैसा देना है, कितना किस से लेना है, हर चीज़ का हिसाब लिख करके रखता है। अगर किसी वर्कर को बीड़ी सिगरेट के लिए 10 रुपये भी दिए हैं तो उसे भी ये लिख करके रखते हैं। इसके बाद है टैक्स। ये बिना बात के टैक्स पे नहीं करते, इन्हें लीगली टैक्स बचाना आता है, यानी कि सरकार के लिए भी इनकी पॉकेट से पैसा निकालना मुश्किल काम है। सीक्रेट नंबर 3, मल्टीपल इनकम सोर्सेज। इन लोगों की मेन इनकम आती है बिजनेसेस, यानी कि धंधों से। कुछ भी हो जाए पर इनकी खुद की दुकान जरूर होगी, मिठाई की, कपड़े की, सोने चांदी की। इनका मानना है कि घर में रोकड़ा कितना भी हो बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। और दूसरा, इनकी रेंटल इनकम होती है, कहीं से प्रॉपर्टी का रेंट आता रहे तो बहुत अच्छा है। तीसरा, इंटरेस्ट इनकम, ब्याज नहीं छोड़ते ये लोग। मारवाड़ी पहला ऐसा आदमी है जो रिश्तेदारी में ब्याज पर पैसे दे सकता है और उसके बावजूद रिश्ते भी बना कर रखता है और ब्याज भी वसूल लेता है। वैसे अगर उनसे कोई भी पैसा मांग ले तो वे कहेंगे कि पीसा कट है, पीसा कोनी। और अगर कह दे कि ब्याज देंगे तो कहेंगे कि कितना चाहिए भाई जी। भाई वाली बात है, हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और ब्याज की बात नहीं है, मुसीबत में अपना आदमी काम आवे। एक और बात, पैसे को ये लोग कभी भी खाली पड़ा नहीं रहने देते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ज़्यादा स्टॉक्स वगैरह अगर समझ नहीं आता तो भी ये प्रॉपर्टी और गोल्ड में इन्वेस्ट तो कर ही देते हैं। और जहाँ ये इतना पैसा कमाते हैं वहीं ये लोग चैरिटी और डोनेशन भी करते हैं। गांव में कुछ भी बनवाना हो, किसी को पैसे की ज़रूरत हो, कोई चंदा इकट्ठा करना हो, ये लोग अपने हिसाब से डोनेट करते रहते हैं। सीक्रेट नंबर 4, लॉन्ग टर्म विज़न को रखना। मारवाड़ी लोग कभी भी शॉर्ट टर्म विज़न नहीं रखते। वो जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये सोच करके चलते हैं कि आने वाली कई जनरेशन तक धंधो चलते रहना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने ये बात नोटिस की होगी कि मारवाड़ियों के यहाँ काम करने वाले बदलते हैं, काम नहीं बदलते। ये लोग जब बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरू में कोई प्रॉफिट ना हो तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका फोकस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर होता है। ये लोग फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने प्रेजेंट को दाव पर लगा देते हैं। इसलिए शुरू के कुछ सालों में बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसे भी ये वापस रीइन्वेस्ट कर देते हैं ताकि बिजनेस एक्सपेंशन हो। ये इतना आगे का सोचते हैं कि इनके रिलेशनशिप भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं। फिर वो चाहे कस्टमर हो, सप्लायर हो या फिर कोई एम्प्लॉय, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर इनके बिजनेस पार्टनर्स नहीं बदलते, क्योंकि ये लोग ट्रस्ट और रिलायबिलिटी पर बिजनेस चलाते हैं। इसके अलावा ये लोग अपने बच्चों को भी बिजनेस सिखाते हैं। फैमिली में पैसों की बात की जाती है ताकि बाद में बिजनेस बच्चों को हैंडओवर किया जा सके। इसीलिए ये सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स पहले ही अपने फैमिली मेंबर्स को सिखा देते हैं।
एक और बात, ये लोग लॉन्ग टर्म इसलिए टिक पाते हैं क्योंकि इन्हें बदलते टाइम के साथ साथ अपने बिजनेस में चेंजेस करने आते हैं और ये लोग फ्लेक्सिबल और नई नई चीज़ों को जल्दी से अडोप्ट कर लेते हैं और ये लोग अपनी कोर वैल्यूज़ को कभी नहीं भूलते और अपने प्लान्स और स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस कर देते हैं ताकि बिजनेस हर सिचुएशन में प्रॉफिटेबली चलता रहे। सीक्रेट नंबर 5, वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट। मारवाड़ी लोग हमेशा किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को उसके वैल्यू के आधार पर ही खरीदते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत उसकी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करती तो ये उसे नहीं खरीदते, यानी कि ये लोग इमोशन बेस्ड बाइंग नहीं करते। आज कुछ लोग महंगे जूते खरीदते हैं, 5,000, 10,000, 50,000, इवन लाख लाख रुपए के लोग जूते खरीदते हैं और फिर उन्हें घर में हैज ए कलेक्शन रखते हैं। लेकिन एक मारवाड़ी आदमी ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम उसे कहो कि ये जूता 50,000 रुपये का है तो वो तुरंत कहेगा कि क्यों भाई, सोना लगा है इसमें, ये तो 500 रुपये में कहीं भी मिल जाए। सामने वाला कहेगा, पर सर ये तो लिमिटेड एडिशन है। मारवाड़ी कहेगा, ऐसा कुछ ना होता, जूते ही तो हैं, 50,000 दे के सिर में पहनूंगा इसने। कहने का मतलब ये है कि जब तक चीज़ की प्राइस उसको ठीक नहीं लगती, दुनिया का बेस्ट से बेस्ट सेल्समैन भी उनको चीज़ नहीं बेच सकता। और महंगे में बेचना तो दूर की बात है, मारवाड़ी अगर अपनी पर आ जाए तो तुम उसे नॉर्मल प्राइस पर भी नहीं बेच सकते, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले दुकानदार को निचोड़ देता है। वो हर चीज़ में नेगोशिएशन करता है, उसको हर चीज़ कम प्राइस पर चाहिए। वो जब कुछ खरीदते हैं तो प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका फोकस होता है प्राइस पर कि कहीं चीज़ महंगी तो नहीं है। दुकानदार ला कहे कि भाई जी यही सही प्राइस है, इससे कम में नहीं होगा, फिर भी उसी कहेंगे कि भाई देख ले, भाईचारे वाली बात है, हम तो तेरे पास ही आए हैं, बाकी थारी मर्जी। वहीं पर जब खुद अपनी दुकान पर वो कुछ सामान बेचते हैं तो वो 1 रुपये भी कम नहीं करते। कस्टमर अगर कह भी दे कि आपकी चीज़ महंगी है तो उससे कहेंगे कि भाई बच्चों की कसम, भगवान की कसम, इसमें सिर्फ 10 रुपये ही बच रहे हैं मने, और आप फिक्र मत करो भाई, आपसे पैसे ज़्यादा थोड़े लेंगे। सीक्रेट नंबर 6, कॉस्ट कंट्रोल। मारवाड़ी आदमी बिना बात के 1 रुपया भी खर्च नहीं करता, ना अपने लिए और ना ही बिजनेस के लिए। शुरू से ये लोग एफिशिएंटली काम करते हैं ताकि मिनिमम वेस्टेज में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। ये लोग बजटिंग और फाइनेंस प्लानिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। ये बिजनेस में पैसे बचाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ये लोग स्टाफ बहुत ही लिमिटेड रखते हैं, बट जितने लोग इनके साथ मिल करके काम करते हैं सब के सब मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉई को भी अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करते हैं। ये बिजनेस में स्टॉक पर भी लगातार नज़र रख कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी है जो बिक नहीं रही है, या कहीं किसी आइटम की शॉर्टेज तो नहीं है। ऐसा करके ये कैपिटल को सही यूज कर लेते हैं। जहाँ ये इतना कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, वहीं साथ में ये भी इंश्योर करते हैं कि कहीं प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, और इसीलिए ये लोग मार्केट में इतना लंबा टिक पाते हैं। वेल फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये थी वो 6 सिंपल बट इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी जो कि एक मारवाड़ी अपनी पर्सनल और बिजनेस लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करता है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।